नमस्कार सकाळर किछि अपडेट खबर सह प्रथम खबर को स्वागत करछि मु चिन्मयी। प्रथमे हेडलाइंस लैंडफॉल पूर्वर तांडव रचिलानी ताउकते भांगिलानी घर उपुड़िलानी गच्छ काली सकाळे छिबो गुजरात उपकूल मुकाबला पई व्यापक व्यवस्था स्थिति समीक्षा कले केन्द्र गृहमंत्री। राज्य सरकार को कोरोना चिंता आज बसव सर्वदलीय बैठक भिसी जोगदेवे विधायक हॉस्पिटल रे बेड और ऑक्सीजन प्रसंग नहीं होपे आलोचना। कोरोना मुकाबला पर नुआ संजीवनी आज बाजार को आसीबो डीआरडीओ रो 2 डीजी मेडिसिन प्रथम पर्यायर मिल 10,000 डोज। देशे कमुच पॉजिटिव हार 13 दिन में डीपीआर रे 8% ह्रास सेपटे राज्यगुड़ी मगणारे 20 कोटी टीका दे सारे केन्द्र सरकार 3 दिन में मिल 51 लक्ष। आरंभरु धीरे धीरे कमिपे संक्रमण विशेषज्ञों मत एणिक फोकस रहू गां सचेतनता अभाव बढ़ुची मृत्युहार कोविड नहीं लोकों पाखे रहुनी सूचना। शेषे आज खोल केदारनाथ धाम कबाट प्रधानमंत्री मोदी करेंगे प्रथम पूजा कोरोना कटका को भक्तों लगी दर्शन पर बुलेटिन आरंभ करिबा। बन्या संपर्कित खबरु माड़ी आसुच्छि सामुद्रिक झड़ तौकते यार प्रभाव में केरल कर्णाटक गोवा लाक्षाद्वीप महाराष्ट्र और गुजरात में प्रबल वर्षा सह घंटा प्रति पवन बेग 140-160 किलोमीटर रहिबो बोली पानीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि। तौकतर मुकाबला एनडीआरएफ टीम संपूर्ण प्रस्तुत रही कह वायुसेना को अलर्ट कर एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान। भयंकर रु अति भयंकर होउची सामुद्रिक झड़ तौकते तौकते प्रभाव में तास परी भांगी पड़ुची तीन महला घर तो आउ केउठी लता परी तले गड़ुची बड़ बड़ गछ बात्या प्रभाव में वर्षा और पवन रे लोके भयभीत अथल समुद्र सुं सुं गर्जन करी माड़ी आसुची स्थल भाग को सते जमी सबकि गिड़देव तौकते तोफान प्रभाव केरल कर्णाटक गोवा लाक्षाद्वीप महाराष्ट्र और गुजरात उपरे पड़िबो बोली कहिछि पानीपाग विभाग। 18 तारीख सकाळे गुजरात रे लैंडफॉल करिबो तौकते तेबे एने कोन कहिछन्ति आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सुनंतु। सचिव श्री साथे माननीय बड़े सचिव साथे आपणे अहीं मुलाकात लीधी छे मांगरोळ अने जे बंदर विस्तार छे अने जेटला पण नीचाणवाळा विस्तारो छे आनी बधी मुलाकात लीधी छे। इवेक्युएशन नी कामगीरी आपणे स्टार्ट करी छे दरेक जगह आप जी सको एवं मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर जो ऊभा कर तो आनी त्या साइक्लोन शेल्टर्स अपने राख्या छे साथ साथ जे सेफ स्कूलना स्ट्रक्चर छे समाजनी वाड़ीओ छे अने गणीने आपणे लोकोने शिफ्टिंग करवानी जे प्रोसिजर छे ए चालू छे। आज रात सुधी में आपणे जेटला पण नजीक नीचाणवाड़ा जे विस्तारों छे एना एमां जे रहता लोकोने शिफ्ट करवानी गणतरी आपणे छे। सेपटे बात्या मुकाबला एनडीआरएफ टीम समस्त जगह नियोजित होता बेले वायुसेना कोलर्ट रही बात्या को नहीं एनडीआरएफ संपूर्ण प्रस्तुत रही एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान। जो मेन इंपैक्ट स्टेट है वो गुजरात ही रहेगा और गुजरात में ही मैक्सिमम इंपैक्ट होने की संभावना है इसीलिए 50 से ज्यादा टीमें पूरे 5 या 6 राज्यों में लगाई गई थी उसका लगभग आधा हिस्सा जो है गुजरात में इसलिए लगा गया है क्योंकि इंपैक्ट स्टेट वही है क्योंकि साइक्लोन का जो इंपैक्ट है वो मुख्यतः आईएमडी के प्रेडिक्शन के हिसाब से गुजरात में होगा। गुजरात में 24 टी एनडीआरएफ टीम नियोजित होगा सह बाहर राज्य 13 टीम पहुंची तो कोते को नहीं गृहमंत्री अमित शाह गुजरात महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठक कर गुजरात में तलिया अंचल लोक स्थानांतर कर समुद्र कूड़िया लोकों को निरापद स्थान को स्थानांतरित कर रिपोर्ट।
कोरोना मुकाबला नहीं आज बसिबो सर्वदलीय बैठक। राज्य में कोरोना स्थिति गंभीर होता बेले विधायक मान आलोचना बैठक डाकी मुख्यमंत्री। विधानसभा सम्मेलन कक्ष में बसिबो एहि मीटिंग। कोविड कटकणा भितरे लोकसभा भवन रु बैठक में जोगदेवे विधायक और विभिन्न दलर मुख्य सचेतक। जो मैंने न आसीपारे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया जोगदेवे। आगक किपर दक्षतार सह कोरोना महामारी मुकाबला करहब से नहीं बैठक में आलोचना करा। विधायक मैंने निज निजर मत रखा सह सरकार को परामर्श देपारे सूचना रही। तेज संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित ऑनलाइन रे जोड़ी होती भुवनेश्वर प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती जोड़ी होती। दिव्य कौन अपडेट आसुची आज सर्वदलीय बैठक बसुची विधायक माने बसिबे मुख्यमंत्री बसिबे कोरोना मुकाबला नहीं आलोचना हबो। देखंतु चिन्मय निश्चित भाव द्वितीय लहर को मुकाबला करिया पाई मुख्यमंत्री एवं वाचस्पति सर्वदलीय बैठक डाकछंती एवं जोंथरे कोरोना संपर्क आलोचना हबो किभली मुकाबला करा जिवो किभली समस्ते मिलमिश आम कोरोना को मुकाबला करिबा एवं जो भाई राज्य स्थिति रही स्थित कौन कौन दिग दे मुकाबला करा जाए पड़ो स्वास्थ्य भित्तिमि क्षेत्र में कौन कौन सब अधिक जो आवश्यकता रही कि लोक मान पाखे सठिक सेवा पहुंचो से दिग्वे अनेक गुरुत्वपूर्ण आलोचना हम एवं जो थे आप देखिए विभिन्न विधायक मानने मत रखे जो परामर्श रही से सरकार को देवे सरकार मध्य आज किसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं आज बैठक शेष में मुख्यमंत्री घोषणा करिबार कार्यक्रम रही आ गोटे कथा आप देखिए बैठक में प्रथम बाचस्पति अध्यक्षता करेंगे और परवर्त समय मुख्यमंत्री अभिभाषण रखे तापर कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र अभिभाषण रखे जेहेतु विरोधी दल नेता स्वास्थ्यावस्था खराब रही मेडिकल एडमिट अच्छा से लगे बीजेपी पक्ष मुख्य विरोधी दल जेहेतु बीजेपी रही प्रथम मुख्यमंत्री पर बीजेपी अर्थात विरोधी दल नेता प्रदीप नायक कहवा कथा किंतु जेहेतु विरोधी दल नेता देह खराब रही स्वास्थ्य अवस्था खराब रही बैठक में बीजेपी पक्ष जहाँ सूचना रही विरोधी दल मुख्य सचेतक मोहन माझी हुए तो यही बैठक को अटेंड कर पारती किंबा विरोधी दल उपनेता विष्णु सेठी से बैठक को अटेंड कर पारती तो बैठक में अनेक गुरुत्वपूर्ण आलोचना हम बैठक पर जना पड़े के दिग पर आलोचना होती मोटामोटी कोरोना मुकाबला नहीं दीर्घ दिन पर उभय विरोधी एवं शासक दल एकाठी होती गोटे भल वातावरण सृष्टि राज्य में समस्त आगे आगभर होती साधारण लोक किभली क्यों रणनीति नहीं काम कर समस्त बस राजनीतिक महल देखा सब गुरुत्वपूर्ण कथा दिव्य देखो सरकार नाइट कर्फ्यू कले सप्ताहांत सटडाउन कले लॉकडाउन कले वर्तमान समस्त जी देखिए जे सब प्राइवेट सेक्टर रे ऑफिस हो कि गवर्नमेंट सेक्टर ऑफिस सबुठी 50% कर्मचारी को नहीं कार्य करा सरकार विभिन्न प्रकार पदक्षेप अपने किंतु वर्तमान सुधा संक्रमण थमुनी आउ कौन एमती विकल्प व्यवस्था सरकार करेंगे कौन नुआ गाइडलाइन आने जो कि कोरोना सहित मुकाबला कर देखु गत काली राज्य सरकार तीन तीनोटी नुआ नोटिफिकेशन जारी कर स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग कहुच्छे जे जेहेतु आज बैठक रही पूर्व सरकार सचेतन होती विरोधी जो जो सब प्रसंग उठाइबे से प्रसंग को किभली मुकाबला करा जाय परिबो से प्रसंग को किभली काउंटर करा जाय परिबो से सरकार एई तीनोटी नोटिफिकेशन आनिछन्ते जे उनथरे प्रमुख नोटिफिकेशन रहिछि जे रोगी मानकु तांको संपर्क माने किभली देखि पारिबे तांको संपर्क माने रोगी मानक विषय किम जानि पारिबे से नै हेल्प डेस्क को बाध्यतामूलक कराइछि रोगी मानक सह तांको संपर्क माने किभली कथाबार्ता होइ पारिबे से दिगरे मध्य सरकार निष्पत्ति नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया से कथ चाहिए फटो देखिपारे जदि ए खिलाफ हुए जदि कौन रोगी संपर्क अभियोग करते से आधार में हस्पिटाल विरोध में कार्यानुष्ठान निसबू प्रसंग को सरकार गत काली आनी सामना को अंपटे आप देखिए जो तृतीय लहर कथा कहुच कमिटी गठन कराई क्यों मैंने कमिटे रही तार नोटिफिकेशन गत काली प्रकाश पाई जदिव पूर्वर मुख्य शासन सचिव दिगरे घोषणा कर सारी गत काली एक कमिटी गठन कराई कमिटी फर्मेसन होने से आगामी दिन यहाँ पर काम करेंगे तृतीय लहर पूर्व राज्य अवगत करेंगे किभली तृतीय लहर मुकाबला करा जाए से विषय राज्य सरकार संपूर्ण भाव प्रस्तुत होते हैं अंपटे तृतीय नोटिफिकेशन आप देखिए
भुवनेश्वर प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होते हैं। आज सर्वदलीय बैठक बस कोरोना मुकाबला नहीं एने आमको अपडेट दूसरे अच्छा परवर्ती खबर को शिशुं उपरे नजर रखा लगे गठन है कमिटी राज्य और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पक्षर गठन करा कमिटी डीएमईटी सह कमिटी रहिबे 8 सदस्य कमिटर आवाहक रहिबे परिवार कल्याण विभाग निर्देशक शिशुं क्षेत्र में कोरोना संक्रमण बढ़ुथिबारु कमिटी एहा उपरे तर्जमा करिबो 18-44 वर्ष वयस्क वर्गों कोविड सुरक्षा नहीं मध्य 12 जणिया कमिटी गठन करा सेपटे राज्यर सबु कोविड हस्पिटाल रहिबो हेल्प डेस्क को बाध्यतामूलक करिसेंती राज्य सरकार समस्त सरकारी और घरोई हस्पिटाल रोगी संपर्कियों को एही हेल्प डेस्क जरिया सूचना मिलिबो हेल्प डेस्क 24 घंटिया काम करिबो हेल्प डेस्क लागि टोल फ्री नंबर जारी करिबे सरकार एतद व्यतीत व्हाट्सएप जरिया मध्ये जोगाजोग करिपारिबे वेंटिलेटर कलाबजारी उपरे बिग एक्शन केउठी केते वेंटिलेटर रही सेने समीक्षा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यगुड़िक वेंटिलेटर स्थापन अव्यवहृत वेंटिलेटर उपरे गुरुत्व देवाको निर्देश देते प्रधानमंत्री सबु लोक जमी मिलपार सुविधा से दिगरे पदक्षेप निजी प्रधानमंत्री वेंटिलेटर कलाबजारी उपरे बिग एक्शन कौटी केते वेंटिलेटर रही सेने समीक्षा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यगुड़िक वेंटिलेटर स्थापन और अव्यवहृत वेंटिलेटर उपरे गुरुत्व देवाको निर्देश सबु लोक जमी मिलपार सुविधा से दिगरे नियाजिब पदक्षेप देश में वेंटिलेटर स्थिति नहीं समीक्षापी प्रधानमंत्री उच्चस्तरीय बैठक राज्यगुड़िक वेंटिलेटर स्थापन और अव्यवहृत वेंटिलेटर उपरे गुरुत्व देवाको कहुई यासह तुरंत कार्यर ऑडिट करा जाय आवश्यक पड़े स्वास्थ्य कर्मचारी को तालीम जोगाई दिजिव बोली प्रधानमंत्री कहते कोविड द्वितीय लहर वृद्धि होगासह यह ग्रामांचल को विशेष भाव में प्रभावित कर ग्रामांचल गुड़िकर अम्लजान जोगाण सुनिश्चित करने एक वितरण योजना प्रस्तुत डोर टू डोर परीक्षा वृद्धि ध्यान दिजिव भारत में कोविड विस्तार जांच करने टीकाकरण ड्राइव को आहरी वृद्धि करा उचित बोली विशेषज्ञ माने मत देते सेपटे टीकाकरण ड्राइव को सफल करने राज्यगुड़िक आपस बुझाणा सह कार्य उचित बोली प्रधानमंत्री जोर देते चलित बर्ष शेष सुधा 200 कोटी डोज उपलब्ध करा लक्ष्य रखा जाए सेपटे बैठक में कंटेनमेंट जोन रणनीति उपरे आलोचना करा कोविड परीक्षा को व्यापक करने तथा ग्रामांचल स्वास्थ्य सेवा अम्लजान जोगाण उपरे ध्यान देवा प्रधानमंत्री विशेष गुरुत्व देवा निर्देश देते रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कटक नियाली रे बीजेपी कर्मी को आक्रमण नियाली ब्लॉकर कपासी गाँव में बीजेपी कर्मी उपरे संघबद्ध भावे आक्रमण करा बेले दुई बीजेपी कर्मी आहत होती आहत दुई बीजेपी कर्मी दुर्गा प्रसाद लिंगा और जीवन सेनापति बोली जमापड़ नियाली ब्लॉकर कपासी गाँव में मनरेगा योजन जेसीबी मेसीन और ट्राक्टर लगाई काम करुवा बेले दुई बीजेपी कर्मी यार फटो उठाई सन्देह किसी लोक आक्रमण करते वर्तमान आहत दुई बीजेपी कर्मी नियाली गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सित होता बेले नियाली पुलिस घटना को गुरुतर सह नहीं अधिक तदंत चल आमे आम ग्राम को फेरुवा अवस्था कि कम जाए फेरुवा अवस्था कपासी डिगी पोखरीटे से एनआरजेस कम को जेसीबी और ट्राक्टर द्वारा खोल करते सेठे मटी जाम हो रोड ब्लक कर स्लो स्लो आठार कपासी ग्रामर किसी ग्रामवासी बंद आमको अटकई सेठार लुआ रड बेलचा और भारसारे आमको आटाक कर मुंड पांचटा स्टिच पड़ी और मोर जे सहकर्मी जाते जन भी आक्रमण कर जेहेतु आम ये बीजेपी पिला बीजेपी लोक अप्रस मनोभाव रखी से कि लोक लुहा रड बाड़ी और फारसा द्वारा आक्रमण कले ए विषय आम लिखित आकार थाना आईएससी को आम जनईचु आईएससी सार भी आमको प्रतिश्रुति दृढ़ कार्यानुषान ने
ଯଦି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଆଳି ବିଜେପି ତରଫରୁ ଗଣଧାରଣା ଦେବୁ। आज मार्केट को आसिबो डीआरडीओ औषध 2DC प्रथम पर्यायर 10,000 डोज लॉन्च करा जिवो बोली डीआरडीओ पक्षरु कहा जायछि। परवर्ती समय रे यहार उत्पादन अधिक करबा पई काम चलीथिबा डीआरडीओ पक्षरु कहा जायछि। एही औषध द्वारा जणे रोगी शीघ्र सुस्थ हेबो बोली दाबी करिछि डीआरडीओ। कोरोना रो प्रथम लहर समय रे एप्रिल 2020 रे INMS डीआरडीओ वैज्ञानिक माने परीक्षण करथिले। मे 2020 रे 2DG रो द्वितीय क्लिनिकल ट्रायल पई अनुमति प्रदान करा जायथिला। फेज 2 रे 110 रोगी को निकटरे ट्रायल होइथिला। नवंबर 2020 रे तृतीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल पई अनुमति मिलिथिला। 27 टी कोविड हॉस्पिटल रे मार्च 2021 पर्यंत 220 रोगी को निकटरे परीक्षण करा जायथिला। पानीपतरे 500 बेड सह ऑक्सीजन प्लांट रो शुभारंभ। हॉस्पिटल को ऑक्सीजन रो संजीवनी देछंती केंद्र सरकार। हरियाणा रो मुख्यमंत्री को सह केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहार उद्घाटन करिछंती। सेपटे कोरोना काल रे सारा देश पाई बड़ साहस पलटिछि स्टील ओ पेट्रोलियम विभाग। कोरोना काल रे हरियाणा को मिलिला बड़ पुणी आगक आसला स्टील और पेट्रोलियम विभाग। पानीपत में 500 बेड हॉस्पिटल सह ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र उद्देश्य रे समर्पण कले केन्द्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। गुरु तेज बहादुर संजीवनी हॉस्पिटल एवं लोकों सेवे स्टील पाइपलाइन जरिया इंडियन ऑयल संजीवनी हॉस्पिटल को 15 मेट्रिक टन गैसीय अम्लजान जोगाइब। ए सेवा संपूर्ण मागणा रहिबो। हॉस्पिटल रे थिबा उभय 500 अस्थाई बेड रे रहिबो ऑक्सीजन संजोग। डाक्तरन को पई हॉस्पिटल निकट होटल रे 6 मास पर्यंत रहिबार सुविधा करिछि आईओसीएल। बीपीसीएल प्रतिदिन 10 टन गैसीय अम्लजान उत्पादन करिबो जहाकि कोची रिफाइनरी निकट हेबाकु थिबा 1000 बेड विशिष्ट कोविड हॉस्पिटल को अम्लजान ओ पानी जोगाइब। चेन्नई ओ भटिंडारे मध्य 200 ओ 100 बेड थिबा कोविड हॉस्पिटल को सबु सुविधा जोगाइ देबो आईओसीएल। इठिकार नागरिक मानकु तार फायदा मिलिबो कारण हरियाणा भी गोटिए प्रतिदिन 9-13,000 पर्यंत पॉजिटिव होउथवार राज्य आज भी अछि। आज 9,000 एठि हिछि किछि दिन पूर्वे एठि 13-14,000 होतला। तेणु ये गोटिए संवेदनशील राज्य एटि ऑक्सीजन बेड आवश्यकता अधिक थिला। दिल्ली रा प्रेशर भी हरियाणा उपर थिला ताको ध्यान रखे कि एठिकार जो हॉस्पिटल आज दुईटी हॉस्पिटल एटि आरंभ करा गला हिसार आउ पानीपत रे दुईटी जाकर लाभ सामूहिक भावे देश को मिलिबो। के कोई 5 हट्स और यहां बनाए जाएंगे ताकि कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एमरजेंसी में जिनको रहना पड़ता है वो दूर जाके ना रहे तो उनको किसी दिन कोई रहेगा किसी दिन कोई रहेगा। तो एक 5 हट्स रेजिडेंशियल और बना दी जाए ताकि इन डॉक्टर्स में से जिनकी बहुत आवश्यकता हो दिन रात में जिनको रहना हो वहां उनको रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टील और पेट्रोलियम विभाग सर्वदा सहाय्य पई आगो को आसीछे। भारत कोरोना महामारी लड़ाई में साजिछे आउ एक योद्धा। देश में दिन को उत्पादन होउछि प्राय 10,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन ता मध्यरु स्टील ओ ऑयल रिफाइनरी प्राय 6,650 मेट्रिक टन अम्लजान जोगाउछि। देश में तरल अम्लजान रो उत्पादन को बढ़ाइबाकु उभय प्राइवेट और सरकारी स्टील प्लांट निजर पूरा जोर लगाउछन्ति। सेल राष्ट्रीय इस्पात निगम टाटा स्टील आर्सेलरमिटल JSPL और अन्य स्टील प्लांट उत्पादन बढ़ाइछन्ति। एप्रिल 1 रे दिन को 538 मेट्रिक टन उत्पादन रु वर्तमान 4,433 मेट्रिक टन रे पहुंची छे। मेडिकल ऑक्सीजन को आहुरी अधिक बढ़ाइबा को सारा देश रे 13 PSA ऑक्सीजन प्लांट 100 रु अधिक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट करिवे। केवल ONGC 1,00,000 रु अधिक ऑक्सीजन कंटेनर उत्पादन करू छे। भारत सरकार प्रतिबद्ध अछंती देश रे ऑक्सीजन सप्लाई चेन को निरंतर भावे जारी रखापी। अप्रैल प्रथम सप्ताह देशर ऑक्सीजन रो आवश्यकता 1300 मेट्रिक टन थिला। आज से बढ़िकी 10,000 मेट्रिक टन रे पहुंची। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आज देश सबू राज्य को उपलब्ध करा जाउची।
स्टील सेक्टर पेट्रोलियम सेक्टर या को दायित्व नहीं अन्य औद्योगिक समूह भी निजर उत्पादन को सीमित करके दायित्व नहीं सुव्यवस्था करा विदेश रु 13,000 मेट्रिक टन इम्पोर्ट करिवारो चुक्ति भी करा जाय सारलानी तार प्रथम खेप भी आसीबा आरंभ करानी ता छाड़ी के आज गोटे नुआ अध्याय जोड़ा गला जो अंचल रे कारखाना अछि सेठी गैसीय ऑक्सीजन उपलब्ध भी हो। प्रधानमंत्री नेतृत्व और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मार्गदर्शन में देशवासी निश्वास और बल साजिश स्टील और पेट्रोलियम विभाग। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस। बढ़ला श्रीमंदिर कटकणा, पुणी जगा दर्शन वंचित रहिबे भक्त। जून 15 तारीख जाए भक्तों श्रीमंदिर प्रवेश उपरे कटकणा लागिछि। कोरोना संक्रमण को दृष्टि रे रखी एही कटकणा को वृद्धि करा जायछि। कोविड स्थिति को नै श्रीमंदिर और जिला प्रशासन पक्षरु करा जायथिबा समीक्षा बैठक रे एही निष्पत्ति होईछि। खाली भक्तों दर्शन को बंद करा जाय नाही, बरंग सबु सेवायतों को मंदिर भितर को अनुमति दिया जिबो नाही। सीमित सेवायतों को नै श्रीजीवंक नीतिकांति जारी रहिबो बोली श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु कहा जाय छी। भारतीय इस्पात जगतर माराथन ऑक्सीजन उत्पादन केन्द्र निर्देश परे बढ़ागला अधिक उत्पादन क्षमता। 4,000 मैट्रिक टन उपरे हेउछि मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन। देश में कोरोना महामारी लड़ई में आगरे रही इस्पात जगत। सेपटे केवल ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड तथा मेडिकल भित्तिभूमि नुहे, बरंग मेडिसिन एवं वैक्सीन उत्पादन और जोगाण को सर्वाधिक गुरुत्व दियाजाउछि बोली कहिछन्ति केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। भारतीय इस्पात जगतर माराथन ऑक्सीजन उत्पादन केन्द्र निर्देश परे बढ़ागला अधिक उत्पादन क्षमता। 4,000 मेट्रिक टन उपरे हेउछि मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन। देश में कोरोना महामारी लड़ई में आगरे रही इस्पात जगत। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निर्देश परे बढ़ी उत्पादन इस्पात कारखाना गुड़िकर ऑक्सीजन रो गत एक मास मध्यरे तीन गुणा बढ़ी उत्पादन क्षमता। सूचना अनुसार देश में कोविड 19 रो सेकेंड वेव आरंभ में मात्र 1,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन करा जहां 14 अप्रैल मात्र 1,507 मेट्रिक टन थिला। यहां पर यहां को वृद्धि करा जाए मात्र 10 दिन में 3,650 उपरे मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रत्येक दिन उत्पादन कर पारिछि इस्पात संस्था। एवं गत मे 12 रो तथ्य अनुसार देश में 4,287 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन कर नॉनस्टॉप जोगाण करुछि विभिन्न राज्यर मेडिकल गुड़ी को। सेपटे केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बैठक पर इस्पात एवं पेट्रोलियम शिल्प एकत्रित हो भारत को कोविड 19 महामारी मुकाबला करिबारे साहाज्य करिबाकु समस्त प्रयास करुछन्ति। हरियाणार पानीपथ ठारे रिफाइनरी पक्षर बृहत कोविड हस्पिटाल लोकार्पण अवसर यह कहते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। पानीपथ रिफाइनरी 500 शज्या विशिष्ट बृहत कोविड हस्पिटाल को मागणार ऑक्सीजन जोगाइब इंडियन ऑयल। हस्पिटाल व्यवस्थित प्रत्येक शज्या को पानीपत रिफाइनरी 15 मेट्रिक टन ऑक्सीजन जोगाजिबो। रिफाइनरी एमईजी प्लांट सह संयोग होता स्टील पाइपलाइन साहाज्य जोगाजिबो ऑक्सीजन। यह हस्पिटाल कोविड रोगी को जरूरीकालीन सेवा जोगाइबारे सहायक हेबो। प्रधानमंत्री नेतृत्व में ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड सह मेडिसिन एवं वैक्सीनेशन को दियाजाउछि गुरुत्व। तेज वर्तमान समय रे विदेश भारत सरकार को द्वारा 13,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आमदानी करा जाउछि। उपसागरीय देश समूह तथा आबुधाबी कुवैत कतार बाहरीन साउदी अरब ओमान रु देश को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आसुछि। केवल ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड तथा मेडिकल भित्तिभूमि नुहे, बरं मेडिसिन एवं वैक्सीन उत्पादन और जोगाण को सर्वाधिक गुरुत्व दिया जाउछि बोली कहिसेंति धर्मेन्द्र। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय सरिछि प्रथम खबर को एठ रखछु। नमस्कार।